और एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो विधानसभा के बाहर यूकेडी का हल्ला बोला। आज 11 बजे विधानसभा का घेराव करेगी यूकेडी और यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले को लेकर यूकेडी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नेहरू कॉलोनी से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, जहां यूकेडी की तरफ से आज हल्ला बोल किया जाएगा विधानसभा के बाहर और 11 बजे विधानसभा का घेराव करेगी यूकेडी। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले को लेकर यूकेडी का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। नेहरू कॉलोनी से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद ये हल्ला बोल होगा। और चलिए आज का दिन कैसे हंगामेदार रहने वाला, कैसे खास रहने वाला है, तमाम जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज राणा और रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज आपका रुख करना चाहूंगी, दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, कैसे अहम रहने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है तैयारी है हंगामेदार रखने की आज की, और यूकेडी की तरफ से भी आज प्रदर्शन किया जाएगा, क्या और जानकारी? ऐसी देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विपक्ष ने कल कानून व्यवस्था को लेकर सदन के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसमें कई अहम मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन आज क्योंकि महत्वपूर्ण दो बड़े विषय लाने वाली है विपक्ष, और इसमें एक तो आपदा प्रबंधन वाला मामला है, जो प्रदेश में बरसात के मौसम में जो तमाम आपदा आई थी उसमें जो तमाम लोगों को राहत नहीं दी गई है या आपदा में जो नुकसान हुआ था उसकी राहत सामग्री नहीं दी गई है, उसको लेकर एक बड़ा हल्ला आज नियम 310 के तहत विपक्ष सदन के भीतर उठा सकता है। इससे महत्वपूर्ण दूसरा विषय है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसका विषय आज अंदर सदन के अंदर उठेगा, और उसके साथ ही अन्य विभागों में जो भर्ती घोटाले हो, चाहे विधानसभा का मामला हो या अन्य विभागों में जो भर्ती मामले हुए हैं, सहकारिता विभाग का जो मामला है ये सदन के भीतर उठने वाले हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग जो हैं वो अभी सलाखों के पीछे नहीं हैं और कई लोगों की जमानत भी हो चुकी है। तो विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार ने इसमें तत्परता जरूर दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से कमजोर पैरवी की वजह से लोगों की जमानतें हो रही हैं, आरोपी जमानतें हो रही हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमजोर पैरवी रही है और इससे तमाम लोगों को जमानतें मिल रही है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण विषय आज सदन के भीतर उठने वाले हैं, लेकिन सदन के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो सदन के बाहर भी तमाम जो संगठन है, चाहे हम यूकेडी की बात करें या अन्य सामाजिक संगठनों की बात करें, तो वो भी कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्योंकि सदन के भीतर महत्वपूर्ण चीजें आज होने वाली हैं, चाहे हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात करें, इस विषय पर चर्चा संभवतः सदन के भीतर होगी। उसके अलावा जो धर्मांतरण कानून हुआ था उस पर भी चर्चा सदन के भीतर हो सकती है। आयुषी जी बिल्कुल पंकज, तो सदन का सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। रवि आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए हंगामा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन पहले ही दिन मास्टर स्ट्रोक भी सरकार का देखने को मिला। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, आने वाले समय में कैसे फायदा सरकार को इसका मिलेगा और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कैसे ये लाभदायक हो सकता है अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो? बिल्कुल आशी, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से 30% महिलाओं के जो आरक्षण की बात थी जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहाँ से स्टे जो मिला था उसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा था। अगर आज जिस तरीके से विधेयक को कल सदन में पेश किया गया है और उसको आज कानून का रूप दे दिया जाएगा, या हालांकि इसके बाद वो राजभवन जाएगा, वहाँ से उसको कानून का रूप मिलेगा, ऐसे में अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद जो महिलाओं का 30% जो कहते आरक्षण है उस पर एक तरीके से मोहर लग जाएगी, और जो जिस तरीके से बीच में कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और जो बहुत दिक्कतें हुई थी वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी और महिलाओं को आराम से 30% का क्षेत्र आरक्षण मिल सकेगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी है, क्योंकि चाहे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर थी कि हाईकोर्ट में सरकार ठीक ढंग से पैरवी नहीं कर पाई, और यही वजह रही कि 30% जो क्षेत्र आरक्षण था उसको हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ऐसे में क्योंकि अब सदन में ये विधेयक पेश किया गया है तो निश्चित तौर पर आज चाहे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी चाहती है कि ये विधेयक पेश जो है पास हो जाए, तो ऐसे में ये आज कानून बन जाएगा और 30% के क्षेत्र आरक्षण जो महिलाओं की मांग भी थी वो अब उनको एक फौरी राहत से हटकर कानून के तौर पर मिल पाएगा। तो ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं उनमें खुशी भी है कि 30% आरक्षण जो राज्य लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें उन्हें मिल सकेगा, और जिस तरीके से लगातार इस आरक्षण को लेकर बात हो रही थी उस आरक्षण पर सरकार के मास्टर स्टॉक के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार इस बात को कह रही थी कि महिलाओं के जो आरक्षण है उसको हाईकोर्ट में भले ही रोक लग गई हो, लेकिन सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए जिस हक की सरकार ने उनको देने की बात की थी। तो आज यहां पर सदन में इस विधेयक को रखा जाएगा और इसके बाद इसको एक्ट
के तौर पर बना दिया जा रहा है, यानी कि कानून बन जाएगा और महिलाओं को इससे बड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण भी है, जिसकी लगातार मांग थी। और विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा के बाहर जो है इसका घेराव भी किया था। ऐसे में जो 10% जो क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है वो अभी अदर में लटका हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आज उस पर भी कोई बात होती है, कोई चर्चा होती है और उस पर क्या निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि अभी भी राज्य आंदोलनकारी इस बात को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो 10% उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग राज्य बनने के बाद से थी उस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय सरकार की ओर से लिया जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण आज दूसरे दिन को भी तो काफी महत्वपूर्ण दिन है, काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। चलिए बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी और अभी आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।